दोस्तों, दुश्मन से हमेशा जीतना है तो इन बातों का जरा खास ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जानकारी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो आपके जीवन में हमेशा जहर घोलने की कोशिश करता है और आपके पीछे बहुत ही बुरी नजर मार कर खड़ा हुआ है। दोस्तों, ये जानने से पहले आप लोगों को इस बात पर यकीन करना ही होगा कि आजकल जो इंसान के सबसे बड़े विश्वासघाती होते हैं, जो दोस्तों इंसान का विश्वास तोड़ते हैं व उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, वह कोई गैर नहीं होते हैं, उसके अपने ही लोग उसके पीछे ऐसा कार्य करते हैं। कुछ ऐसे ही लोग आपके आसपास मंडरा रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आप उन लोगों की पहचान करना चाहते हैं कि कैसे लोगों से आपको रिश्ता तोड़ देना चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ ही हम जानेंगे इन 24 घंटों में आपके बड़े और महाराशि फल के बड़े परिवर्तनों के बारे में। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें आपका व्यवसाय, करियर, नौकरी, लव लाइफ, पारिवारिक जीवन किस प्रकार से व्यतीत होगा, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें व नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए लिख दीजिए, हे माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। तो आपका ज्यादा कीमती समय न लेते हुए जान लेते हैं कि आप लोगों को ऐसे दुश्मन से कैसे आपको जीतना है व दूर रहना है। तो दोस्तों, इन बातों का खास ख्याल रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, इंसान को ज्यादा भोला या फिर हृदय से अधिक सरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों को हमेशा नुकसान व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, काम धेनु काम की तरह विद्या होती है, जो हर परिस्थिति में मनुष्य के लिए फलदायक साबित होती है। दोस्तों, मनुष्य निश्चित ही गलत और अनिश्चित को सही मान लेता है, उसकी बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है तथा उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। मनुष्य का जीवन काम धन ज्ञान और मृत्यु एक समान बराबर है तथा इन पांच तत्वों का निर्माता माता के कर्म में ही हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आज को ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप इन बातों से कुछ समझ पाए हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन 24 घंटे में आपकी कुछ खास सावधानियों के बारे में। आप अपनी गुप्त बातें किसी से भी गलती से शेयर करने की गलती ना करें, यहाँ तक कि दोस्तों आपका यदि कोई शुभचिंतक ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, यदि थोड़े से भी आपके दोस्तों इसके बारे में आपकी बात बाहर चले गई तो दोस्तों ये दुश्मन आप लोगों से गहरा बदला ले सकते हैं व आपका सारा खेल खत्म भी कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है व दोस्तों ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, साथी की सेहत में आकस्मिक गिरावट के कारण आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। आपको भागदौड़ अधिक करने के कारण शारीरिक कष्ट हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों, आपके लिए दिन कठिनाइयों से भरा हुआ रह सकता है। कार्य क्षेत्र में दोस्तों आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी, तभी आप दोस्तों सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई परिजन आज किसी सोची समझी चाल में आपको फंसा सकता है, जिससे आपको बचना होगा। और दोस्तों, आपके आस पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद हो तो उसमें आपको नहीं बोलना है, नहीं तो कानूनी हो सकता है। इससे साथ ही दोस्तों, आपको बता दें आपका दिन सेहत के मामलों में थोड़ा कमजोर रह सकता है। आपको व्यवसाय में अपने रुकी हुई कार्य को पूरा करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दोस्तों, समाज में भी मान सम्मान और आपकी इज्जत में भी बढ़ोतरी होने वाली है। दोस्तों, इस समय आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, इस समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों इस समय उपाय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। अपनी फिजूल खर्ची पर आपको इस समय अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों, परिस्थिति को क्रोध की जगह शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं तो आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा।
और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके लिए जो समय होगा आपको बता दें कि किसी के भी साथ में मिलजुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों इस समय आप अपने विचारों पर अड़े रहने की वजह से किसी के साथ में भी आपका एक मत नहीं होगा, इसलिए दोस्तों खुद ही काम को पूरा करने की आप कोशिश करें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर नए घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इन बातों में देरी हो सकती है, इस समय आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके लिए जो समय होगा आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राशि के लिए जो समय होगा, जो ग्रह स्थिति होंगी, इस समय बहुत ही उत्तम समय होगा, बहुत ही अच्छी ग्रह स्थिति होंगी। दोस्तों इस समय बता दें कि आपके रुका हुआ कार्य पूरी तरह से सामने होगी और आपकी क्षमता लोगों के सामने जाहिर होगी। विद्यार्थियों करियर संबंधी किसी समस्या का समाधान भी इस समय मिल सकता है। दोस्तों आपको अपनी कमजोरी पर विजय भी इस समय हासिल करने वाले हैं दोस्तों, परंतु आलस और ज़्यादा मौज मस्ती के समय समय व्यस्त ना करें, यह आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों इस समय आप जो है अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का समय होगा। तो दोस्तों इस समय को बिल्कुल भी ना गंवाएं और अपने कार्यों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें। तो आइए दोस्तों अब इसी के साथ में बात करते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि आपका जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन काल आपका बड़े ही अच्छी तरह से और बड़े ही धीरे धीरे बदलने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं तो उसे होने दीजिए, बीच में बिल्कुल भी रोक टोक मत करिए, ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता देते हैं कि नया कार्य करने के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो ये अच्छा रहेगा। आप दोस्तों मंदाग और मेहनती हैं, यहाँ तक कि आपके मालिक आपकी बात और परेशानी को समझते हैं, इसलिए आप ईमानदार रहें और हमेशा की तरह काम करते रहें। लाभ बनाने के लिए आपको विदेश में किसी के साथ में साझा काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आ सकती हैं, पारिवारिक लोगों के साथ में खुश समय व्यतीत होगा समय। इसके साथ ही दोस्तों दाम्पत्य जीवन में अच्छे सुविचार बने रहेंगे। आपको इस समय अपने खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना चाहिए, इससे सारी ऊर्जा और फुर्ती भी बनी रहेगी। तथा दो अलग बातों में अति रहने से चिंता हो सकती है, तनाव हो सकता है, इसलिए दोस्तों आपको अपनी क्षमताएं और अपेक्षाएं इच्छाएं पूरे करने पर जुड़े रहें। पारिवारिक शुभ योग भी मिलने वाले हैं आज के दिन। दोस्तों आपका भाग्य अच्छा रहेगा। दोस्तों जहाँ पर आप ना जाएं उस कार्य को किसी को भी ना दें, अपने ही आंखों के सामने आपको हर कार्य करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इनसे आपके जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और आने वाले समय में आपके हाथ तो कोई भी गलतियां नहीं होगी और आपका जीवन बहुत ही सफल रहने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि आप सभी को अपने जीवन काल में इन चार चीज़ों से मुँह मोड़ना होगा। और दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं कि इसके साथ ही आपके लिए समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। लेकिन दोस्तों आप अपना बजट संतुलन रखने में असफल नहीं है तो आपको उसके लिए थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित कोई रुकावट दूर होने से उन्हें राहत भी मिल सकती है। साथ ही दोस्तों इस समय किसी बनते कार्य में परेशानी अथवा रुकावटें आने में कुछ समय आप जो है मायूसी में रह सकते हैं। दोस्तों इस समय आपको भी अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। जल्दीबाजी की वजह से शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करें और दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही इस समय आपके लिए जो समय होगा आपको बता दें कि बीते समय में आपके स्वभाव का लोगों ने जो भी फायदा उठाया था उसके प्रति रोष बढ़ सकता है और इन घटनाओं के लिए दोस्तों कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। पुराने मित्र के साथ में अचानक हुई मुलाकात भी आपको इस समय आनंद देने वाली है। और इसके साथ ही दोस्तों इस समय आपके लिए जो समय होगा आपको बता दें कि दोस्तों आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ने वाला है। आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण आपकी छवि को बेहतर बनाकर रखेगा। इसके साथ ही दोस्तों दिनचर्या से उबाव होकर इस समय आप अपना अधिकतर समय अपने परिवार वालों के साथ में बिताएं, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आपको कुछ समय मेडिटेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि आप पे बन रहे मानसिक तनाव के कारण आप अपनी क्षमताओं के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी बात पर पूरी तरह आप अपना ध्यान दे पाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।